नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिंग ऐप से लोन कैसे लें। दोस्तों, अगर आप भी जो है रिंग ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी कि इसमें आप जो है कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको इस एप्लीकेशन में कितना लोन मिलता है और कितने समय के लिए मिलता है, कितना इंटरेस्ट लगता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और साथ में मैं आपको जो है लाइव प्रूफ के साथ इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजाना इस तरह के काम के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड की अगर मैं बात करूँ तो आप इसके डाउनलोड देख सकते हैं, 10 मिलियन से प्लस के डाउनलोड है। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको ओपन करेंगे, तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको इसको अलाउ कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ पर लिखा है एंटर योर मोबाइल नंबर, तो आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अपने नंबर पे एक OTP कोड जाएगा, वो OTP कोड आपको यहाँ पर डालना है, अदरवाइज़ जो है ये ऑटोमेटिकली आपका OTP जो है वेरीफाई कर लेता है। उसके बाद में अगला पेज जो है आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप इसको रीड करेंगे, उसके बाद में आप रीड एंड एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जो भी आपसे परमिशन मांगता है सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको कुछ डिटेल्स को फिल करना होता है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका लास्ट नेम, आपकी मदर का नेम, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस को फिल करना होता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालना होता है, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और आपको जो यहाँ पर कंपनी कोड है, अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके सारी डिटेल भरने के बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर जो है अपने आधार कार्ड को डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर फैच कराना होता है। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर एक एरो का निशान दिखाई देता होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक करोगे तो अगला स्टेप जो है आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप जो है अपना आधार कार्ड नंबर जो है आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया होगा, इस कैप्चा कोड को आपको जो है इसमें फिल कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड जाएगा, जो आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP कोड भेजा गया होगा, तो आपको जो है इस पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद में सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अपना सिक्योरिटी पिन डालना होता है, ये 6 डिजिट का होता है। अगर आपने पहले कभी डिजी लॉकर में अपना पिन बनाया है तो आप वही डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अपना यहाँ पर 6 अंक का मनचाहा अपने आप से पिन बना सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। डन पर क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पर परमिशन मांगेगा, आपको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पर लिखा है योर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड व्यू डिजी लॉकर, तो आपका आधार कार्ड जो है यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है डिजी लॉकर के माध्यम से। उसके बाद में अगला पेज जो है आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको अपनी एक सेल्फी को अपलोड करना होता है, साफ सुथरी सेल्फी को आप यहाँ पर कैमरा के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगला पेज जो है आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी सेल्फी भी जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गई है और आपका जो आधार कार्ड का वेरीफिकेशन है वो यहाँ पर भी सक्सेसफुल हो गया है। तो उसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अगला स्टेप जो है आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिमिट मिल जाएगी। तो मेरा यहाँ पर सिविल स्कोर कम है, मैं जिनका यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहा हूँ तो उनका सिविल स्कोर कम है। अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा भी लोन अप्रूव हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे जो है यहाँ पर सिर्फ 3500 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। अगर आपका सिविल सही है तो आपको इससे ज्यादा या कम भी मिल सकता है। इसको लेने के लिए आपको यहां पर टर्म्स का ऑप्शन मिलेगा नीचे, आपको जो है इसको टिक कर देना है। उसके बाद में एक्सेप्ट ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहां पर एक्सेप्ट ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो अगला स्टेप आपके सामने यहां पर इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर जो है आपको 4 अंक का अपना पिन बनाना होता है, जैसे कि आप जो है
अपना पैसा किसी को QR कोड की मदद से ट्रांसफ़र करते हो, या कोई बिल पेमेंट करते हो, या दोस्तों अपनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, तो आपको जो है ये पिन डालना होता है, या कभी जो है अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपको जो है अपना ये सिक्योरिटी पिन डालना होता है। तो इसलिए आप जो है इसको पहले सेट कर लेंगे। चार अंक का आप पिन बना सकते हैं, चाहे तो आप अपने लास्ट के मोबाइल नंबर के 4 डिजिट डाल सकते हैं, या आप अपने डेट ऑफ बर्थ के डाल सकते हैं जो आपको याद रहे। उसके बाद में आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद में अगला स्टेप आपके सामने इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे जो है यहाँ पर 3500 रुपये की लिमिट मिल चुकी है। अब इसको आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं, चलिए वो जानते हैं। तो उसके लिए आपको जो है ऊपर की साइड में यहाँ पर जो है 3 लाइन दिखती होंगी, तो आपको यहाँ पर जो है 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो अगला पेज आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ऊपर ही यहाँ पर कंप्लीट नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंप्लीट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बैंक डिटेल का, तो आप यहाँ पर जो है अपनी बैंक डिटेल्स को फिल करेंगे। तो आप यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर डालना है, और आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद में यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट होल्डर नेम डालना है, आपका अकाउंट जो है किस टाइप का है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने फिर से उसी तरह से आ जाएगा। अब यहां पर आपको जो है इसको बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको ऊपर जो है यहां पर ट्रांसफर नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहां पर ट्रांसफर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर ट्रांसफ़र नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है बैंक ट्रांसफ़र का, यहाँ से आप जो है अपने पैसे को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया है। अगर आप चाहो तो किसी और भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, उस पर आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हो, DTH रिचार्ज कर सकते हो, गैस का जो सिलेंडर होता है उसको आप यहां पर भरवा सकते हो, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हो, और भी आपको यहां पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे कि आपको जो लोन लिमिट मिलती है उसका आप यूज कर सकते हो। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट ऊपर डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर उसी बैंक पर टिक कर देना है ऊपर वाले पे। अगर आप नए बैंक डिटेल को फिल करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ अगर आप इसी पर जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया उसमें पैसे लेना चाहते हो तो उस पर ही टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये तो प्रोसेस था बैंक में ट्रांसफ़र करने का। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है इन पैसों का यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल रिचार्ज में मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा इस तरह से, आप जो है बैक आएंगे। बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे जैसे कि आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, वो मैं आपको पिछले भी बता चुका हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है रिंग पे लेटर एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।